हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का 2006 का नेट का पेपर। इस स्पेशल सीरीज में हम पिछले 15 साल के यूजीसी नेट के पेपर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं नेट का 2006 का पेपर। शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया या कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे 2006 का लाइब्रेरी साइंस का पेपर 2, नेट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। पहला ऑप्शन है जर्नल, टेक्स्ट बुक, इनविजिबल कॉलेजेस, टेक्निकल। तो इसका आंसर आएगा इनविजिबल कॉलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बुक्स इन प्रिंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, बिल्कुल सही है, कॉम्युलेटिव बुक इंडेक्स, बुक पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, ये भी सही है, नेशनल बुक भी गलत है। URL का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4th है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज प्रपोंड। देखो पिछले पेपर में भी जीरो बेस्ड बजट आया था, इसमें भी पूछा हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिया था पीटर फायर। सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज ऑफ, इसको बोलते हैं हम वेब पेज। ठीक है, द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियन इन 1918 वाज हेल्ड एट, ये लाहौर में हुई थी। ठीक है, इफ टू साइटेशन आर साइटेड टुगेदर इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं को साइटेशन। ग्रे लिटरेचर का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ग्रे द लिटरेचर विच इज नॉट पब्लिश्ड एंड इज नॉट अवेलेबल थ्रू नॉर्मल बुक सेलिंग चैनल। ठीक है, जो पब्लिश नहीं हुई है और जो अवेलेबल नहीं है नॉर्मल बुक सेलिंग चैनल के, उसे ग्रे लिटरेचर बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है, रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड, टेबल, इसका है फील्ड। देखो डाटाबेस में बेसिक यूनिट फील्ड होती है, ये याद कर लो। द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू, कितनी तेजी से हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, और देखिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ। अगर आपने डिटेल में हमारी वीडियोज़ देखनी है तो हमारी आप थ्योरी की वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन द मेकिंग ऑफ लाइब्रेरी बजट। इसमें से कौन सा फैक्टर कंसिडर नहीं होता है लाइब्रेरी बजट के मेकिंग में, द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होता है, द टाइप ऑफ यूजर भी होता है, द कलेक्शन भी होता है, द एज ऑफ लाइब्रेरी, इसका कोई फैक्टर नहीं है लाइब्रेरी बजट में। OCLC क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, बिल्कुल यही होता है। अगला ऑप्शन क्या है, एट डब्लिन ओयो, बिल्कुल 1 और 2 बिल्कुल सही है, एट न्यूयॉर्क, नहीं न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका आंसर हो गया ए 1 और 2। प्री कोऑर्डिनेशन इंडेक्सिंग सिस्टम इज फॉलोड इन, किस किस में प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम फॉलो होता है, चेन इंडेक्सिंग में, पॉप्सी में, हाँ इन दोनों में होता है, यूनिटर्म प्रेसेस, यूनिटर्म नहीं आएगा, 1, 2 और 4 इसका आंसर है, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। एडोनिस इज अ, एडोनिस क्या है, ठीक है, एडोनिस बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है, न्यूमेरिक डाटाबेस है, फुल टेक्स्ट डाटाबेस है, या इसमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर है फुल डाटाबेस है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, इसके बाद है हाइपोथेसिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन, स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड या फैक्ट, इसका आंसर आ गया स्टेटमेंट टू बी प्रॉब्लम 1 और 3, स्टेटमेंट टू द प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड दोनों इसमें आता है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो गया, यानी ए इसका सही है। इसके बाद द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल इन द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट करा था सबसे पहले, देखो मेलविल डावरी ने करा था और न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए 1 और 2। 17th, प्राइमरी सोर्स इंक्लूड क्या क्या, थीसिस होता है, हाँ बिल्कुल होता है, पेटेंट भी होता है प्राइमरी में,
और एब्स्ट्रैक्टिंग क्रिटिकल्स नहीं, ये नहीं होता, क्रिटिकल आर्टिकल्स ही होता है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। शीनन एंड वीवर आर एसोसिएटेड विद मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से है, बिल्कुल, ये तो हमें पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था ये, ठीक है, और मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में। तो 1 और 2 इसका आंसर हो गया, यानी हो गया इसका आंसर ए। द डिसीजन टू मेक और नॉट टू मेक ए एंट्री अंडर अ सब्जेक्ट टर्म इज गवर्न बाय, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैनन ऑफ सॉर्ट हेडिंग। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू बी सुपरवाइज्ड, एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्टाफ, ड्यूरेशन ऑफ हिज कंट्रोल इज टू बी एक्सरसाइज द एरिया टू विच। देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब आप कितने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करते हो, इसका आंसर आ गया ए। अब आगे क्वेश्चन है ए और आर वाले एसर्टेशन और रीजन के। सबसे पहले एसर्टेशन के, क्लासिफिकेशन एज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज विल कंटिन्यू टू परसिस्ट इन द एज ऑफ ई डॉक्यूमेंट, क्लासिफिकेशन इज रिडंडेंट। तो ये दोनों चीजें दोनों ही ट्रू हैं, ए एंड आर आर ट्रू। अगला ए और आर क्या है, असर्टेशन क्या है, कलेक्शन डेवलपमेंट शुड बी ज्यूडिशरी डन, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आर क्या, ऑलमोस्ट ऑल लाइब्रेरी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला नो सिंगल लाइब्रेरी कनेक्ट ऑल द डिमांड ऑफ द यूजर, ये भी बिल्कुल सही है 23rd, ठीक है। और रिसोर्स शेयरिंग इज नीड ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया बी, ए और बी दोनों करेक्ट है। लाइब्रेरी कैटलॉग मीट मोस्ट ऑफ द अप्रोचेज ऑफ द यूजर और कैटलॉग इंक्लूड ऑल द डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट, दोनों ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25th, इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज अदर देन लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरी सोर्स इज ए नैरोअर इन स्कोप देन इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी ट्रू है, तो बहुत ट्रू है। देखो इंफॉर्मेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं लाइब्रेरी के अलावा भी, ठीक है। इसके बाद 26th क्वेश्चन, द कैटलॉग कोड वर डेवलप इन ऑर्डर एज, जो कैटलॉग कोड था किस ऑर्डर में, एंग्लो अमेरिकन कोड रूल ऑफ, तो कैटलॉग जो कोड हुआ था डेवलप ऑर्डर हुआ था, इसका आंसर आएगा सी, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग एंग्लो अमेरिकन कोड, यानी जिसको ज्वाइंट कोड कहते हैं, ALA रूल फॉर द ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज AACRI। 27th क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का क्रॉनिकल ऑर्डर बताना है, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ CC, 14 एडिशन ऑफ BDC, इसका आंसर है सी। आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर, तो क्रॉनिकल ऑर्डर में हमने लाइब्रेरी, तो सबसे पहले लिप्सिस आया, ठीक है, फिर संजय आया, फिर सोल आया, फिर स्लिम आया, इसका आंसर हो गया सी। सेलेक्ट द राइट क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग हमने बताना, तो सबसे पहले INIS आया था, ठीक है, फिर एग्रीस आया, फिर NISET है, फिर PIS है। PIS का हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर में, इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। एग्रीस का कहाँ है, रोम में। सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी इन, ओके, ये बहुत इजी है। सबसे ज़्यादा स्टोरेज DVD में होती है, ठीक है, उसके बाद CD में होती है, फिर फ्लॉपी में होती है, फिर पंच कार्ड में होती है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अरेंज द कॉन्ट्रीब्यूटर इन मैनेजमेंट प्रॉपर क्रॉनिकल ऑर्डर, ये भी क्रॉनिकल ऑर्डर हमें बताना है, ठीक है, इसका भी आंसर है सी। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजी, ये भी क्रोनिकल ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहले हमारे पास मेटा डाटा बाद में आया था, ये हम सबको पता है, ठीक है, और सबसे
सेल्स वेर मार तो इसका आंसर हो गया सी। मैच द फॉलोइंग, देखो जिप्स लॉ ये किससे रिलेट करता है, ये वर्ड फ्रिक्वेंसी से रिलेट करता है जिप्स लॉ। अच्छा लॉटकाज लो ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है ऑथर प्रोडक्टिविटी से, तो सी का ए है ये आ गया। सारे देख लो ब्रदर फोर लो किससे रिलेट करता है, ये आंसर है इसका सी। ठीक है, और ब्रदर फोर लो किससे रिलेट करता है, ये स्कैटरिंग से करता है, ब्रदर फोर मॉडल ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग से करता है। ठीक है, और डी में है गारफील्ड लो, गारफील्ड हमारा इम्पैक्ट फैक्टर से करता है, इम्पॉर्टेंट है याद कर लो। इसके बाद मैच करना है हमने फॉलोइंग, देखो हमें ये सॉफ्टवेयर्स दे रखे हैं और ये किसने डेवलप करे हैं सॉफ्टवेयर्स वो बताने हैं, मैच करना है इसमें। तो सोल सबको पता है इन्फिली ब्लेंट ने करा था, तो ए का फोर हो गया, ए का फोर हो गया। उसके बाद विंसिस, विंसिस करा था यूनेस्को ने, संजय संजय ने करा था डीसी डॉक ने, तो इसका आंसर हो गया ए। 36 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है, कमीशन बताना है और किसके रिगार्डिंग कमीशन थी वो। तो सबसे पहले कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन थी लाइब्रेरी बजट एज अ परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बजट। तो कोठारी बजट ने बोला था कि 10% लाइब्रेरी का बजट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तो 3A की, ओ सॉरी ये राधा कृष्णन, राधा कृष्णन था लाइब्रेरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो इसका आंसर आ गया बी। ट्रांसलेशन सर्विसेज, देखो DRTC करते हैं ट्रांसलेशन सर्विसेज, और एक ही है ये, तो यही आंसर आ गया इसका। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है क्वेश्चन, Z39.50 ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगले आगे देखिए ISO 9000 ये रिलेट करता है क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड से, ISO 2709 ये रिलेट करता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसके बाद 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन है क्लास रस ए ये किससे रिलेट करेगा, ये जी भट्टाचार्य, ये मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हमारा बी है इसका आंसर। 40 इसमें मैच है CCF, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है। ठीक है, यह CCF किसने करी थी, ये यूनेस्को ने करी थी, यूनिमार्क किसने करी थी, ये फला ने करी है यूनिमार्क, तो इसका आंसर हो गया बी। और डब्लिन कोर, डब्लिन कोर OCLC ने करी है, और US मार्क ये अमेरिकन सॉरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने करी है। ठीक है, इसके बाद 41 क्वेश्चन है मैनेजमेंट सर्विस, अब हमें देखो फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है ये, मैनेजमेंट सर्विस किसका एग्जांपल है, ये डिस्टिलेशन का, तो 2A में है, तो ये आंसर हो गया। बायोफिजिक्स आपको पता ही है, बायोफिजिक्स फ्यूजन का है ये भी। ठीक है, पिछले में भी क्वेश्चन था बायोफिजिक्स। इसके बाद हमें एक्ट बताना है कौन से ईयर में एनैक्टमेंट हुई है, कौन सा एक्ट, तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है, 1948 में। ठीक है, तो ए भी हो सकता है सी भी। अगला देखो वेस्ट बंगाल, ये हुआ था हमारा 1979 में, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है एग्री इंडेक्स, एग्रीन इंडेक्स और एटोमिन इंडेक्स, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट ये पब्लिकेशन है, और कौन सा इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है, तो एग्रीन इंडेक्स एग्रीस करता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 44 में क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसने दिया है, ऑब्वियसली यूनेस्को ने दिया, तो 3A की में। ठीक, UDC, UDC FID ने दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है और ये सारे देख लो एक मिनट, पॉप्सी ये देखो इंपॉर्टेंट है, पॉप्सी हमारा पॉप्सी DRTC, UDC
हमारा FID और मार्क ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है मीडियम या कनेक्टिविटी और टाइप बताना है। फैक्स क्या है? फैक्स इनपुट डिवाइस है या इमेज, ठीक है तो इमेज या ट्रांसमिशन डिवाइस भी हो सकते हैं। तो फैक्स 4A की है तो यही होगा आंसर। बाकी भी चेक कर लो, CD ROM क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज है और सर्किट क्या है हमारा, स्विचिंग सिस्टम। इसके बाद पैसेज है, ये हमारा लाइब्रेरी सेशन है। तो इस पेपर में इतना ही, ठीक है, अगले पेपर के लिए अगली वीडियो देख। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के किसी भी पेपर की तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।